ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का कमज़ोर होना, आखिर ये क्या होता है और इसे कैसे ठीक करें? दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ गुड़गांव ऑर्थो स्पोर्ट में। दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि आपके हड्डियों में से जो कैल्शियम कम होना, कैल्शियम मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होना। हड्डियों को जो मजबूती देता है वो दोस्तों कैल्शियम देता है, तो अगर कैल्शियम की मात्रा हमारे हड्डियों में कम होगी तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस होगा। और बेसिकली जब डेक्सा स्कैन से मालूम पड़ता है कि आपके हड्डियों में कितना कैल्शियम है, एक अलग तरह का स्कैनिंग होती है बॉडी की जिससे मालूम पड़ता है आपके बोन में, बॉडी में जहाँ जहाँ हड्डियाँ हैं उसमें कैल्शियम की क्वांटिटी कितनी है। अगर आप नॉर्मल आते हैं तो उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, हल्का सा अगर कैल्शियम कम होता है तो ऑस्टियोपीनिया बोला जाता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम कम हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में दोस्तों आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, मतलब अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और आप चल रहे हैं और गिर गए तो हाई चांस होते हैं कि आपके रिस्ट या आपका हिप बोन या आपके स्पाइन में फ्रैक्चर आ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट लिया जाए ताकि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना आए। अगर आपको लगता है कि आपकी एज 50-60 के आसपास है या खास तौर से फीमेल पेशेंट जो मेनोपॉज के बाद, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, तो इस पॉपुलेशन को लगभग साल में एक बार अपना डेक्सा स्कैन कराना चाहिए और देखना चाहिए आखिर कैल्शियम कितना है आपकी हड्डियों के अंदर। अगर आपको कैल्शियम कम आता है तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है और आप आराम से इसका इलाज कर सकते हैं। पहली बात प्रिवेंशन, कि क्या हम अपने ऑस्टियोपोरोसिस को डेवलप होने से रोक सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। अगर आप अच्छी मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं फूड के अंदर, 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम लेना चाहिए, एक ग्लास दूध के अंदर लगभग 300 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है, तो एक या दो ग्लास दूध पी लिया, उसके बाद बहुत सारे फूड हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिच कैल्शियम होता है, पनीर होता है, अंडे होते हैं, साथ में हमारी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कैल्शियम रिच है, पल्सेस दाल, इन सब में बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है। ये अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेने से आपकी बॉडी का कैल्शियम की जो नीड है वो पूरी होती है लगभग 1200 मिलीग्राम पर डे। साथ में आपको विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए, तो विटामिन डी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक 3-4 महीने लीजिए, फिर आप उसको गैप दे दीजिए, फिर इस तरह से अपनी साइकिल्स कंटिन्यू रख सकते हैं। तो कैल्शियम, विटामिन डी, सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बोन पे स्ट्रेस पड़ता है, बोन पे स्ट्रेस पड़ता है तो बोन ज़्यादा कैल्शियम अपने अंदर डिपॉजिट करवाती है। सो ये तीन चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस, विटामिन डी और एप्रोप्रिएट कैल्शियम फ्रॉम फूड, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम होते हैं। पर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो गई तब आखिर क्या इलाज है? इनिशियली लोअर ऑस्टियोपीनिया के अंदर या जब ऑस्टियोपोरोसिस कम होती है, इस कंडीशन में हम लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, विटामिन डी के सैशे दे सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइजेस बता सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं ऑस्टियोपोरोसिस हल्की सी एडवांस्ड है, तो इसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ आती है दोस्तों, जिसमें बिसफॉस्फोनेट्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं। ये दवाई सप्ताह में एक बार दी जाती है, कुछ बिसफॉस्फोनेट्स आपको साल में भी एक बार लगाए जाते हैं। तो अलग अलग तरह की केमिकल कंपोजिशन की दवाइयाँ आती है जिसमें या तो हर सप्ताह ली जाती है या हर महीने ली जाती है या साल में एक बार इंजेक्शन लगता है। इससे आपके हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा वापस बढ़ने लगती है। कई बार बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट आते हैं तो उसमें हमें हार्मोनल थेरेपी भी चालू करनी पड़ती है। तो इसमें हार्मोनल थेरेपी दी जाती है जो आप स्किन पे इंजेक्शंस लेते हैं, उससे आपका कैल्शियम जल्दी बढ़ता है बोन के अंदर। अगर आप एक फीमेल हैं जिनकी एज 50 से अबव है, पोस्ट मेनोपॉजल में आते हैं, तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में पता कर सकते हैं, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस से आपको बचाती है। तो दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइजेज, गुड कैल्शियम इंटेक फ्रॉम फूड एंड विटामिन डी, ये तीन चीज़ें ऐसी अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस खत्म हो जाएगी, और अगर चालू नहीं हुई है तो बाद में डेवलप भी नहीं होगी।